व्रत करके जो अत्यंत प्रसन्नता के साथ महेश्वरी का पूजन करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। अषाढ़ के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपने वैभव के अनुसार रथोत्सव करे। यह उत्सव देवी को अत्यंत प्रिय है, पृथ्वी को रथ समझे, चंद्रमा और सूर्य को उनके पहिए, वेदों को घोड़े और श्री ब्रह्मा जी को सारथी माने। इस भावना से मणि जड़ित रथ की कल्पना करके उसे पुष्पमालाओं से सुशोभित करें, फिर उसके भीतर शिवा देवी को विराजमान करके तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष यह भावना करे कि परा अम्बा उमा देवी संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए उनकी देखभाल करने के निमित्त रथ के भीतर बैठी हैं। जब रथ धीरे धीरे चले तब जय जयकार करते हुए प्रार्थना करें, देवी दीन वत्सले हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। इन वाक्यों द्वारा देवी को संतुष्ट करें और यात्रा के समय नाना प्रकार के बाजे बजवाए ग्राम या नगर की सीमा के अंत तक रथ को ले जाकर वहाँ उस रथ पर देवी की पूजा करें और नाना प्रकार के स्तोत्रों से उनकी स्तुति के लिए फिर उन्हें वहाँ से अपने घर ले आए। तदन अंतर सैकड़ों बार प्रणाम करके माँ जगदम्बा से प्रार्थना करें। जो विद्वान इस प्रकार देवी का पूजन व्रत एवं रथोत्सव करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में माँ देवी के धाम को जाता है। श्रवण और भद्रपाद की शुक्ला तृतीया को जो विधि पूर्वक माँ अम्बा का व्रत और पूजन करता है वह इस लोक में पुत्र पोत्र एवं धन आदि से संपन्न होकर सुख भोगता है तथा अंत में सब लोकों से ऊपर विराजमान उमा लोक में जाता है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रा व्रत करना चाहिए, उनके करने पर संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। इसमें संशय नहीं है। इस नवरात्र व्रत के प्रभाव का वर्णन करने में चतुरानन श्री ब्रह्मा पंचानन श्री महादेव तथा षडानन कार्तिकेय भी समर्थ नहीं है, फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है। मुनि श्रेष्ठ नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करके विरत के पुत्र राजा सुरथ ने अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त कर लिया था। अयोध्या के बुद्धिमान नरेश ध्रुव संधि कुमार सुदर्शन ने इस नवरात्र के प्रभाव से ही राज्य प्राप्त किया था, जो पहले उनके हाथ से छिन गया था। इस व्रत का अनुष्ठान और महेश्वरी की आराधना करके समाधि वैश्य संसार बंधन से मुक्त हो मोक्ष के भागी हुए। जो मनुष्य अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक व्रत करके तृतीया पंचमी सप्तमी अष्टमी नवमी एवं चतुर्दशी तिथियों को देवी का पूजन करता है देवी शिवा निरंतर उसके संपूर्ण अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति करती रहती है। जो कार्तिक मार्ग शीर्ष पोष माघ और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को व्रत करता है तथा लाल कनेर आदि के फूलों एवं सुगंधित धूपों से मंगलमय देवी की पूजा करता है वह संपूर्ण मंगल को प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों को अपने सौभाग्य की प्राप्ति एवं रक्षा के लिए सदा इस महान व्रत का आचरण करना चाहिए तथा पुरुषों को भी विद्या धन पुत्र की प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसके सिवा अन्य जो भी देवी को प्रिय लगने वाला उमा महेश्वर आदि के व्रत हैं, मुमुक्षु पुरुषों को उनका भक्ति भाव से आचरण करना चाहिए। यह उमा संहिता परम पुण्यमयी तथा भगवान शिव की भक्ति को बढ़ाने वाली है। इसमें नाना प्रकार के उपव्याख्यान हैं। यह कल्याणमयी संहिता भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो इसे भक्ति भाव से सुनता या एकाग्रचित होकर सुनाता है अथवा पढ़ता है या पढ़ाता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में सुंदर अक्षरों में लिखी गई यह संहिता विधिवत पूजित होती है वह संपूर्ण अभिष्टों को प्राप्त कर लेता है। उसे भूत प्रेत और पिशाच आदि दुष्टों से कभी भय नहीं होता। वह पुत्र पोत्र आदि संपत्ति को अवश्य पाता है, इसमें संशय नहीं है। अतः है देवी शिवा की भक्ति चाहने वाले पुरुषों को सदा इस परम पुण्यमयी रमणीय उमा संहिता का श्रवण एवं पाठ करना चाहिए। जय जगदम्बे। अध्याय 51 कैलाश संहिता। ऋषियों का श्री सूत जी से तथा वामदेव जी का स्कंद से प्रश्न प्रणवार्थ निरूपण के लिए अनुरोध।
जो प्रधान प्रकृति और पुरुष के नियंता तथा सृष्टि के पालन और संहार के कारण है। उन माँ पार्वती सहित भगवान शिव को उनके पार्षदों और पुत्रों के साथ प्रणाम है। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमने अनेक व्याख्यानों से युक्त परम मनोहर उमा संहिता सुनी है। अब आप शिव तत्व का ज्ञान बढ़ाने वाली कैलाश संहिता का वर्णन कीजिए। श्री व्यास जी ने कहा, पुत्रों, शिव तत्व का प्रतिपादन करने वाली दिव्य कैलाश संहिता का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक सुनो। तुम्हारे प्रति स्नेह होने के कारण ही मैं तुम्हें यह प्रसंग सुना रहा हूँ। इतना कहकर श्री व्यास जी ने काशी में मुनियों के तथा श्री सूत जी के संवाद, व्यास मुनि संवाद, शिव और माँ पार्वती संवाद, भगवान शंकर के द्वारा माँ पार्वती के प्रति संन्यास पद्धति, संन्यास चार, संन्यास मंडल, संन्यास पद्धति न्यास, वर्ण पूजन, प्रणवार्थ पद्धति आदि प्रसंगों का वर्णन करके पुनः ऋषिगण तथा श्री सूत जी के मिलन एवं संवाद की अवतारणा करते हुए श्री सूत जी के प्रति ऋषियों के प्रश्न का यों वर्णन किया। ऋषि बोले, महाभाग सूत जी, आप हमारे श्रेष्ठ गुरु हैं, अतः यदि आपका हम पर अनुग्रह हो तो हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं। श्रद्धालु शिष्यों पर आप जैसे गुरुजन सदा स्नेह रखते हैं, इस बात को आपने इस समय हमें प्रत्यक्ष दिखा दिया है। मुने, विरजा होम के समय पहले आपने जो वामदेव का मत सूचित किया था उसे हमने विस्तार पूर्वक नहीं सुना था, अब हम बड़े आदर और श्रद्धा के साथ उसे सुनना चाहते हैं। कृपा सिंधो, आप प्रसन्नता पूर्वक उसका वर्णन करें। ऋषियों की यह बात सुनकर श्री सूत जी के शरीर में रोमांच आया। उन्होंने गुरु के भी परम उत्कृष्ट गुरु महादेव जी को, त्रिभुवन जननी महादेवी उमा को तथा गुरु व्यास जी को भी भक्ति पूर्वक नमस्कार करके मुनिया को आहार्दित करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार कहा। महर्षि सूत जी बोले, मुनियों, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब सदा सुखी रहो। महाभाग महात्माओं, तुम भगवान शिव के भक्त तथा दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करने वाले हो, यह निश्चित रूप से जानकर ही मैं तुम लोगों के समक्ष इस विषय का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन करता हूँ। ध्यान देकर सुनो। पूर्व काल में रतंतर कल्प के महामुनि वामदेव माता के गर्भ से बाहर निकलते ही भगवान शिव के तत्व को जानने में सर्वश्रेष्ठ माने गए। जो वेदों, आगामों, पुराणों तथा अन्य सब शास्त्रों के भी तात्विक अर्थ को जानने वाले थे। देवता, असुर तथा मनुष्य आदि जीवों के जन्म कर्मों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनका संपूर्ण अंग भस्म लगाने से उज्जवल दिखाई देता था। उनके मस्तक पर जटाओं का समूह शोभा देता था। वे किसी के आश्रित नहीं थे, उनके मन में किसी वस्तु की इच्छा नहीं थी। वे शीत, उष्ण आदि द्वंद्वों से परे थे तथा अहंकार शून्य भी थे। वे दिगंबर महाज्ञानी महात्मा दूसरे महेश्वर के समान जान पड़ते थे। उन्हीं के जैसे स्वभाव वाले बड़े बड़े मुनि शिष्य होकर उन्हें घेरे रहते थे। वे अपने चरणों के स्पर्श जनित पुण्य से इस पृथ्वी को पवित्र करते हुए सब और विचरते थे और अपने चित्त को निरंतर परम धाम स्वरूप पार ब्रह्मा परमात्मा में लगाए रहते थे। इस तरह घूमते हुए वामदेव जी ने मेरु के दक्षिण शिखर कुमार श्रृंग में प्रसन्नता पूर्वक प्रवेश किया, जहाँ मयूर वाहन शिव कुमार ज्ञानमय शक्ति धारण करने वाले समस्त असुरों के नाशक और सर्वदेव वंदित भगवान स्कंद रहते थे। उनके साथ उनकी शक्ति भूता गजावल्ली भी थी। उन्हीं स्कंद सर के नाम से प्रसिद्ध एक सरोवर था जो समुद्र के समान अगाध एवं विशाल दिखाई देता था। उसका जल ठंडा और स्वादिष्ट था। वह सरोवर स्वच्छ और अगाध एवं बहुत से जलराशि से पूर्ण था। उसमें संपूर्ण आश्रयजनक गुण विद्यमान थे। वह जलाशय स्कंद स्वामी के समीप ही था। महामुनि वामदेव ने शिष्यों के साथ उसमें स्नान करके शिखर पर बैठे हुए मुनिवृंद सेवित कुमार का दर्शन किया। वे उगते हुए सूर्य के समान तेजस्वी, मोर उनका श्रेष्ठ वाहन था। उनके चार भुजाएं थी, सभी अंगों से उदारता सूचित होती थी। मुकुट आदि उनकी शोभा बढ़ा रहे थे।
रत्नभूत शक्तियाँ उनकी उपासना करती थी। उन्होंने अपनी